हेलो फ्रेंड्स, नदीम जाजा टेरेस गार्डन में एक बार मोस्ट वेलकम है। आज हम बात करेंगे क्रोटन प्लांट्स की। जैसे बारिश का सीजन चल रहा था तो इसको क्रोटन बहुत सारे या ऐसे बहुत सारे जो होते हैं समर प्लांट्स, जिसको हम क्या करते हैं उसको वाटर में या फिर सैंड में यूज़ करते हैं, जिससे वो क्या हो जाता है उसके जो कटिंग लगाते हैं तो ईजिली ग्रो करने लगता है। तो मैंने भी 25 डेज पहले जो रेत है रेत के अंदर मैंने क्रोटन के कलम लगाए हुए थे कटिंग, तो आप देख सकते हैं अभी मेरे पास रिजल्ट है उसका। 25 डेज लेटर मैंने इसको वाटर से वॉश कर दिया है तो कितनी अच्छी इसकी रूट्स निकल के आए हैं आप देख सकते हैं। और क्रोटन का जो प्लांट्स है वो काफ़ी हेल्दी और स्वस्थ दिखाई दे रहा है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे क्रोटन्स के प्लांट्स हैं। मैंने सारा मेरा सक्सेस हो गया है, जो जितने भी मैंने क्रोटन के प्लांट्स लगाए हुए थे, देख सकते हैं आप कितना हेल्दी है। अब मैं इसको रिपोर्ट करने जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं जो जितने ज़्यादा करके जो छोटे कटिंग थे वो और ही ज़्यादा सक्सेस हुए। और देख सकते हैं इसकी पत्तियाँ काफ़ी ग्रीनरी है, 25 डेज का रिजल्ट है तो काफ़ी बहुत ही अच्छा ये दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप कोई भी जो कटिंग से उगने वाले प्लांट्स है उसको अच्छे से आप क्या कर सकते हैं ग्रो सकते हैं, क्योंकि इसके प्लांट्स काफ़ी कॉस्टली आते हैं तो इसके कटिंग से निकल के आते हैं। देखिए कितनी अच्छी इसके पत्तियां हरी दिखाई दे रही है और इसके जो रूट्स देखिए कितनी अच्छी घनी है और काफ़ी अच्छी इसकी ग्रोथ हुई है। ठीक है, फिर एक दूसरी वेराइटी है क्रोटन्स की, उसके बहुत ज़्यादा तो रूट नहीं आए हैं पर 2-3 ऐसे रूट आई हैं और इसके बाकी ड्राई हो गए हैं, बट एक जो स्टीम है उसके ग्रीन दिख रहे हैं। तो आई होप ये सक्सेस हो जाए। पर बाकी जो क्रोटोन्स हैं उसके रूट्स भी काफ़ी अच्छे ग्रो कर गए हैं और काफ़ी अच्छे आए। तो इस तरह से हम जो सैंड के अंदर से होता है उसमें फंगल का खतरा नहीं रहता है, तो इजीली उसमें कोई भी हम कटिंग आसानी से उसको जर्मिनेट कर सकते हैं, जैसे मैंने ये किया है। अब मैं इसको इस बड़े से कंटेनर यानी पॉट्स में मैं रिपोर्ट करूंगा जो मिट्टी मैंने बनाया हुआ है, और मिट्टी को मैं बारीक करके इसको आज ट्रांसप्लांट करूंगा। तो ये मेरी कटिंग का रिजल्ट रहा है, आशा है आपको अच्छा लगा होगा इस वीडियो को। तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल्स को। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।